सेजवान भी डाल दिया और ये कौन सा पिज्जा, ये क्या डाल रहे हैं? ये अपना मसाला सैंडविच का। ओके ओके, ये वेजिटेबल से ओनियन टमाटो कैप्सिकम ककड़ी ऑनियन टमाटो कैप्सिकम। ओके ओके ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वेलकम टू यम यम इंडिया गाइस, आज हम आए हैं मेट्रो चाय पराठा कैफे। आधी बनी हुई रोटी, हाँ अपने बनी हुई रोटी है, दो रोटी रहती है, चपाती। अच्छा, तो ये क्या डाल दिया पहले? ये अपन उसमें पिज्जा टॉपिंग आ गया, ये शेजवान सॉस, ये डाल दिया शेजवान सॉस। 9:30 बजे से सुबह 9:30 से रात को 10:30 पे यहाँ पे होगा, मेरे को 2.5 साल हो गए। अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं? ये अपना मसाला सैंडविच का। ओके ओके, ये सैंडविच का मसाला डाल, मेयोनीज, ये डाल रही मेयोनीज, क्या बात है यार। अच्छा, इसके ऊपर डालना पड़ता है। और ये क्या है? चीज ब्लेंड, ये है हमारा चीज ब्लेंड, क्या बात है यार। अरे भर भर के डाल दिया यार, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। एंड ये काय की टॉपिंग है? वेजिटेबल से ओनियन टमाटो कैप्सिकम ककड़ी, ऑनियन टमाटो कैप्सिकम ककड़ी और गाजर, गाजर। ओके, मिक्स टॉपिंग, क्या बात है यार। ये डाल दिया यार हमारे पराठे पे। तो ये पराठा प्लेन पराठा रहता है? प्लेन पराठा। ओके ओके ओके, एंड ऊपर से फिर से ये मसाला, क्या बात है यार। ये डल गया मसाला। तो ये कौन सी चीज है? अमूल, अमूल, क्या बात है यार, देख ले कितनी ज्यादा बढ़िया दिख रही है, एकदम भर भर के डलती है चीज इसमें। और इसका प्राइस क्या है भैया? 90 रुपीज सर। क्या बात है यार, इतना भर भर के चीज डला हुआ है, दो दो रोटियां डल गई, इतना सारा मटेरियल डल गया, ये ओरिगानो, क्या बात है। सीधा जाएगा तवे पे, तवे पे, तो मतलब ये अपना काम हो गया लगभग। तो इसको बनने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट। और ये गोल्डन कॉर्न, गोल्डन, अरे पहले इसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, क्या बात है, हल्का सा तेल, ये डल गया तेल यार। ये अपना लगभग चीज मेल्ट हो चुका है, तो तेल को थोड़ा घुमा देते हैं ताकि वो अपना पराठा भी नीचे से एकदम बढ़िया से बन जाए। और ये गोल्डन कॉर्न भी लगभग लगभग गर्म होके रेडी है एकदम बढ़िया से। तो इसको अभी क्या इस पे पिज्जा पर डालते हैं? पिज्जा में डालते हैं, क्या बात है, इससे पूरी चीज अपने आप मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, इससे और चीज मेल्ट होने लगती है, दोनों यार बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। 90 रुपीज में तो बहुत ज्यादा वर्थ लग रहा है। एक बार पूरा बन जाए तो ट्राई करके भी आप सबको बता देंगे कि टेस्ट में कैसा था। बहुत ही बढ़िया यार, ये हमारा पिज्जा पराठा बनके एकदम रेडी है। तो इसको काटवा लेते हैं एकदम बढ़िया। कितने पीस होते हैं इसके भैया? 6 पीस। ओके, ये हो गया 6 पीसेस वाला पराठा, क्या बात है यार, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा पराठा एकदम रेडी, इसको डाल लेते हैं प्लेट में, क्या बात है। ऊपर से क्या क्या डालते हैं भैया? मेयोनीज, ऊपर से भी मेयोनीज, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। चिली फ्लेक्स, और ये चिली फ्लेक्स। तो अभी ये कंप्लीट है? यस यार, ये हो गया हमारा पिज्जा पराठा कंप्लीट। इसको एकदम बढ़िया से अभी ट्राई कर लेते हैं और आप सबको बता दें कि टेस्ट में कैसा था। अरे ट्राई कर लेते हैं यार, ये पिज्जा पराठा दिखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। ये है हमारा पिज्जा पराठा, बहुत क्रंची है, मेयो और चीज का फ्लेवर बहुत अच्छा है, ऊपर से गोल्डन कॉर्न की वजह से बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दो, नागपुर के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जाते जाते चैनल को फॉलो जरूर कर दो। थैंक यू।